दुनिया अंदर ईंदड़ तूफ़ान जल्जिलन ए बेन कुदरती आफतुन के रोकण मुमकिन कोन्हे, पर यह हकीकत है तो वक्त का अग हिफाजती उपा वी अड़े नुकसान के घटाए जरूर सकजे तो। कुदरती आफतुन का दुनिया जो शायद ही कोई अड़ो मुल्क हुए जो तबाहकार बचल हो। अमेरिका, चीन, जापान अड़ा मुल्क भी उन्होंने सानियन का बची न सकिया। 957 का वी 2023 ताई दुनिया अंदर एटलांटिक, पैसिफिक, हिंदी तोड़े अरबी समुंडन में 12,791 त फकत नंढा वड़ा सामुंडी तूफान आया है। जल्जलन ए बेन कुदरती आफतुन जो तो कोई काथो ही कोने। ताज़ो करोना की वबा तो वरी सजी दुनिया के लोडे विधो, पर जिन भी मुल्क कौमों अड़ी आफतुन के पैंजी हिकमत अमली से मुँह दिनों, उन्होंने नुकसान के घट कर जे चीन कोरोना के पैंजी हिकमत अमली से मुँह दई सुरखुरू थो। एशिया के मुल्क अंदर त अक्सर आवाम की यह शिकायत रही है तो हुकूमतू वक्त सिर कदम नथियों खड़न, जैसे कर कुदरती आफतुन में तमाम घनी तबाही थी वजे। पाकिस्तान में भी बहस गुजरल कई दहाकन का मीडिया के बहस हेठ रो है, पर ताज़ो इन सिलसिले में भी काफ़ी अग भराई थी दे नज़र अचे थी। ब 2023 जो बाइपर जॉय तूफान जो जी ही हिंदी समुंड में उभरण जो इतला पाकिस्तान पहुतो त सिंध हुकूमत उन जो फौरी तौर ते नोटिस वरतो ए हंगामी हालतू लागू करे आवाम के महफूज हंधन से पहुंचाने की कोशिशों शुरू कर छी। सिंध जो वड़ो वजीर सैयद मुराद अली शाह हंगामी तौर से छटे के सामूडी पट्टी में हेलीकॉप्टर वसीले पहुतो। उन तक के एमपीए नालेवारी शख्सियत अली हसन जरदारी ए सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह से गर्जी सूरत हाल जो जायजो वरतो ए मानुन के तूफान का बचाने लाए फौरी तौर से महफूज हंधन डा मुंतकिल करण जो हिदायतू जारी कई। बेडियों से कराची के सामुंडी पट्टी खास तौर से इब्राहिम हैदरी में पहुंची, उतें भी वे वजीर सूरत हाल जो जायजो वरतो ए हंगामी उपाव खण जो हिदायतू दिन। छटे की सामुंडी पट्टी में इलाके के अवाम के हंगामी तौर से महफूज हंधन ना पहुंचाने वाले कम की क्यादत एमपी अली हसन जरदारी ए पीपी के नौजवान अगवान आशिक हुसैन जरदारी संभाली। फकत बिन दिन के अंदर एमपी अली हसन जरदारी इलाके जहा तफसीली दौरा कर टटे की सामुंडी बेटन केटी बंदर ए खारो छाण समेत तूफान के निशाने आयल समूरन इलाकन के पर्यों भेरों 100 सैकड़ों पैंजी निगरानी में खाली करायो ए आवाम के महफूज हंधन डा पान पहुंचाने जो कम मुकम्मिल करायो। उनसा गद घारे ए भरपासे में इमदादी कैंपू भी कायम क्यों हुई जिते पिण न फकत मुंतकिल कल मानून के तरसाय वो है पर उनके खाद खुराक भी पिण फराम कई वही है। इन कम की जिम्मेवारी पीपी के नौजवान अगवान आशिक हुसैन जरदारी संभाली ए उन पान पैं हथन से कैंपुन में खाद खुराक विराई। इं ही पर्यों भेरों है जो आवाम के इंदड़ कुदरती आफत का अग महफूज हंधन डा मुंतकिल करे नव मिसाल कायम कयो वयो आहे। तूफान की सूरत हाल कड़ी भी बीहे, पर यह हकीकत है तो सिंध हुकूमत ए एमपी अली हसन जरदारी की वतल कोशिश से हाँ ठटे के सामुंडी इलाके के अवाम जो जिंदगी महफूज बणजी व्यू हैं। यह एक सुठी गाल है तो एमपी अली हसन जरदारी हर दुख सुख की घड़ी में पेंे तक के अवाम से गड बीठल होजे तो। जैसे समूरी सिंध ई सागे जज्बे जो इजहार करे तो खुशन जा डी कदें भी गटजी ना सकन। तमाम वो साइक्लोन है चीफ मिनिस्टर साहब भी आए हो असा उन गदे बिलावल भुट्टो साहब अस चेयरमैन साहब वो गाहिब गए हाल अहवाल पुछे पो ए पा हुकुम कन पाया तो माणन के महफूज हंधन से मोकलो पुलिस इंतजामिया सब आयू अस पा भी चाहूँ मुझे फर्ज आशिक हुसैन जरदारी रात का वी थे है घारों में कैंप कैंप ठाकुर इनशाला उन्हें मानी राशन सब शे मुहैया कदम।
सब थियूं हित गड़जी भर चला।